हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं तरोई की सब्जी, वो भी चने की दाल के साथ। तो चने की दाल के साथ तरोई कैसे बनती है, तो आज हम आपको दिखाएंगे और आपके साथ ये वीडियो भी शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, तो देखिए, हमने तरोई काट ली है और हमने प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन ले लिया है। हमने तरोई को छोटा छोटा सा काट लिया है, धुल लिया है, साफ़ कर लिया है और एक छोटा टमाटर भी हमने ले लिया है। और अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, तो हम गैस ऑन करेंगे और कुकर में हम तेल डालेंगे। जब हमारा कुकर गर्म हो जाएगा तो हम इसमें तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और थोड़ी सी हींग। हींग हमने एक चुटकी के बराबर ली है और हमने आधा चम्मच जीरा लिया है और हमने तेल में डाल दिया है। जब हमारा जीरा अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें कटे हुए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, अदरक जो हमने काट के रखी है वही हम डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। तो अभी हमारा जीरा पक रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए, जीरा हमारा तड़क चुका है, पक चुका है और अब हम इसमें कटे हुए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे और इसको हम लगातार चलाते जाएंगे। चला चला कर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। 2-4 मिनट में ये हमारा प्याज अच्छे से पक जाएगा। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको यूं ही चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे, ताकि अच्छे से हमारे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च पक जाए, प्याज भी अच्छे से पक जाए। तो हम इसको लगातार चला चला कर भूनते रहेंगे। गैस का फ्लेम हम बहुत तेज़ नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम पकाएँगे। तो देखिए, हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें जो कटा हुआ टमाटर रखा है वो भी हम इसी में डाल देंगे और इसके साथ ही हम टमाटर को भी गलने तक चला चला कर यूं ही भूनते जाएंगे। तो देखिए, हमने टमाटर भी डाल दिया है और इसको हम धीरे धीरे चला चला कर भूनेंगे ताकि हमारा टमाटर गल जाए। जब हमारा टमाटर गल जाएगा तभी हम इसमें कटी हुई तरोई डालेंगे जो कि हमने काट के रखी है। तो ये हम सारी तरोई इसी में डाल देंगे। तरोई डालने के बाद हम इसको भी लगातार चलाते जाएंगे। कम से कम 5 मिनट हम इसको चला चला कर भूनेंगे। मसाले भी हम इसी में ऐड कर देंगे ताकि तरोई के साथ हमारे मसाले भी पक जाएं। तो मसाले में हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। हमने कोई भी बाहर से मसाले नहीं लिए हैं, जो हमारे घर में अवेलेबल है वही मसाले हम इसमें डालेंगे। तो बाहर से हमें कोई मसाला नहीं लेना है, जो हम अपनी डेली की सब्जी में डालते हैं वही हम इसमें डालेंगे। तरोई की सब्जी है तो इसमें मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम मसाले में ही हम इस सब्जी को पकाएंगे। तो देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा मसाला डाला है, बहुत ज़्यादा हम तीखा भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको तीखा पसंद है, वैसे तरोई तीखी कम अच्छी लगती है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं डालेंगे। थोड़ी सी हमने कश्मीरी मिर्च भी डाली है कलर आने के लिए। और हम डालेंगे हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, तो हमने सब कुछ ऐड कर दिया है। और अब हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। तो नमक आप अपने स्वादानुसार डालें, कम या ज़्यादा, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप नमक डालिए। और उसके बाद इसको चला दीजिए। चलाने के बाद ऊपर से ढक्कन रख दीजिए 2-4 मिनट के लिए। ढक्कन ढक कर आप इसको यूँ ही खुला पकने दीजिए। तो देखिए, हमने अच्छे से चला लिया है और ये तरोई के साथ साथ हमारे मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। हम ऊपर से ढक्कन ऐसे ही रखेंगे, अभी हम बंद नहीं करेंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे और फिर से चलाएंगे। तो देखिए, हमारा मसाला भी पक रहा है और तरोई भी हमारी गलने लगी है। अब हम फिर से ढक्कन रख देंगे और 2-3 मिनट के बाद हम ढक्कन को फिर से हटा लेंगे। तो अब देखिए, हमारी सब्जी के मसाले भी पक चुके हैं और हमारी तरोई भी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चने की दाल जो हमने भिगो कर रखी थी। तो ये हमने एक कटोरी दाल ली थी चने की, हमने इसको साफ़ कर लिया था और 20 मिनट तक हमने इसको भिगो के भी रखा था। तो ये हमने दाल भी डाल दी है और अब हम इसको फिर से चला देंगे। हमने सब कुछ डाल दिए हैं, मसाले भी डाल दिए हैं और दाल भी डाल दी है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा पानी ही हमें इसमें डालना है। तो देखिए, दाल भी हमारी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम 1 गिलास डालेंगे। अगर आप
ज़्यादा चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा डाल दीजिए, या आप कम डालना चाह रही हैं तो आप पानी कम भी डाल सकती हैं। तो ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकती हैं। अगर आपको पतला पसंद है तो आप ज़्यादा पानी ऐड करिए। तो देखिए हमने सब कुछ डाल दिया है और पानी भी डाल दिया है, और अब हम ढक्कन लगा देंगे। कुकर का ढक्कन लगा कर रख देंगे इसको, और 3 सीटी आने के बाद हम कुकर को गैस से नीचे उतार लेंगे। तो देखिए हमने ढक्कन लगा दिया है और 3 सीटी आने का हम वेट करेंगे। 3 सीटी आने पर हम कुकर को नीचे उतार लेंगे। 3 सीटी आ चुकी है फ्रेंड्स। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को नीचे उतारेंगे। कुकर हमारा जब थोड़ा सा ठंडा होने लगेगा, ठंडा हो जाएगा, प्रेशर निकल जाएगा, तब हम ढक्कन को ओपन करेंगे। तो देखिए हमने ढक्कन को उठा दिया है। तो देखिए हमारी तरोई वाली दाल बनकर रेडी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी ये दाल बनकर रेडी हो जाती है, और ये बहुत ही हेल्दी भी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है। ये तरोई वाली दाल है और चने की दाल इसमें पड़ा है, तो इसमें जो चना हमने डाला है इसमें फाइबर होता है जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने सर्विंग बाउल में निकाल भी लिया है। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ कैसे भी खाएं, आपको ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो वीडियो हमारी कैसी लगी आपको, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलती रहें और आप हमारी सभी वीडियो देख सकें। तो देखिए हमारी दाल रेडी है। थैंक यू फ्रेंड्स।